खबर बीकानेर से है, जहां पर राजस्थान विद्युत प्रसार निगम सागर ने 220 केवी जीएसएस में हुए ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है और इस धमाके के चलते आधे शहर की बिजली गुल रही और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि विद्युत विभाग के कर्मी बिजली की सप्लाई को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि ब्लास्ट के पीछे की वजह यहां पर निकलकर सामने आ चुकी है। बढ़ते आगे और बाड़मेर में 10 हिरणों के शिकार से हड़कंप मच गया। हत्या से नाराज लोगों ने धरना दिया है, प्रदर्शन किया है और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला क्या है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जिन हिरणों को लोग पूछते हैं, जिन हिरणों को पर्यावरण के लिए भी बेहतर माना जाता है, उन्हें ही मौत के घाट उतार दिया गया। मामला बाड़मेर के चौहटन इलाके का है, जहां पर 10 हिरणों का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हिरणों की हत्या भी इतनी क्रूरता से की गई कि देखने वालों का कलेजा कांप उठा। कातिलों ने 10 हिरणों की पहले नृशंसता से हत्या की, फिर उन्हें झाड़ियों में फेंक दिया। जब लोगों की नजर पड़ी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और धरने पर बैठ गए। बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वन विभाग और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो सुलग रहे हैं। मसलन, हिरणों की नृशंस हत्या क्यों की गई, किस मकसद से हिरणों का शिकार हुआ, हिरणों को मारकर झाड़ियों में क्यों फेंका गया, वन अधिकारियों को इसकी भनक तक क्यों नहीं लग पाई, क्या प्रदेश में शिकारी सक्रिय हैं, जंगल के बाहर हिरणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, वन विभाग वन इलाके के बाहर हत्या की दलील क्यों दे रहा है, इन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हिरणों की हत्या का राज नहीं खुलेगा और शिकारियों के मनसूबे भी कम नहीं होंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बाड़मेर से राजू माली।